झारखंड के सबसे लोकप्रिय आस्था पर्व के रूप में बहन भाई व प्राकृतिक का पर्व करमा समस्त झारखंड के हर क्षेत्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान नवयुवक समिति गौरखुट्टी तथा वार्ड पार्षद चंदन महतो की ओर से गौरखुट्टी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में हर साल की ही भांति इस साल भी करम महोत्सव मनाने के साथ साथ विशाल जावा नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कुल 35 टीमों ने भाग लिया। विजेता और उपविजेता के अलावा तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रहने वाली टीमों को नगद पुरस्कार के रूप में 5,000 से लेकर 1,000 रुपये तक इनाम दिया गया एवं बाकी बचे सभी टीमों को जावा नृत्य प्रस्तुत करने के लिए भेंट स्वरूप लेडीज बैग दिया गया। इस प्रतियोगिता में स्थानीय क्षेत्र के अलावा चास, बोकारो, कतरास, भोजुडी, चंदन क्यारी, बलियापुर, डुमरी, जहाजताड़, कुलताड़, परघाबाद, सिंदरी आदि दूर दूर की कुल 35 टीमों ने भाग लिया, जिसमें युवतियों एवं महिलाओं के द्वारा झारखंड के लोकगीतों पर अपना जावा नृत्य प्रस्तुत किया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे। वहीं इस संबंध में पार्षद चंदन महतो ने बताया कि यह पर्व भाई और बहनों का है, जिसमें बहनें 7 दिनों तक उपवास करती है एवं अपने जावा की बालियों का संरक्षण करते हुए हर संध्या भक्ति भाव से जावा को पूजते हुए जावा की बालियां के आगे नृत्य करती है। इस पर्व के माध्यम से हमारी बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु की कामना करती हैं एवं भाई बहनों की रक्षा करने की कस्में खाते हैं। यह प्रतियोगिता देर रात तक चली और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर लक्ष्मी ग्रुप चास हासिल किया। उन्होंने कहा कि आप सभी का सहयोग रहेगा तो हर साल इसी तरह भव्य तरीके से यह कार्यक्रम होता रहेगा। मौके पर पार्षद चंदन महतो, हरिपद महतो, योगेंद्र महतो, मौसम महंती, राजेश महतो, दुर्गेश महतो आदि मौजूद रहे। अगले साल इससे भी भाई हम लोग करेंगे।